हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑन हिंदी वर्ड अकेडमी। आइए सॉल्व करते हैं एक और इंट्रीगेशन। बट इसको करने से पहले ये वाला इंट्रीगेशन आना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या होता है। इसका रिजल्ट डायरेक्ट वहाँ यूज होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले अपॉन में जो ये जो दिखाई पड़ रहा है इसको टी मानने की कोशिश करते हैं। जैसे एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर टी मान लिया जाए तो क्या आंसर आएगा यहाँ से? तो एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एक्स का डेरिवेटिव वन, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ये कैंसिल आउट। एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा डी टी, ऊपर तो हो गया डी टी, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से इसको टी माना तो नीचे टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसको ऊपर ले जाएंगे डी टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का वन अपॉन टी प्लस सी, और टी की वैल्यू प्लेस कर देंगे ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टी की जगह एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये आंसर डायरेक्ट याद होना चाहिए कि इसका आंसर ये आता है, और इसी का यूज वहाँ करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो कॉस एक्स नहीं है तो कॉस एक्स से इंटू कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे इस तरह से, बाकी सब कुछ ऐसे ही कॉपी कर देंगे। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। अब इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, ग्रुप को भी सेकंड फंक्शन मान सकते हैं बिल्कुल। वो रिजल्ट अब यहाँ डायरेक्ट यूज होगा। अब यहाँ फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट इंटू सेकंड का ये होता है फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहेगा एक्स अपॉन कॉस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट यहाँ यूज करेंगे वो वाला रिजल्ट, ये होता है माइनस का वन अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये कैसे है? यहाँ से जो इसका भी किया था ना ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर ये डायरेक्ट यूज हुआ। ये स्टेप यहाँ पे अलग दिखानी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ से लिखते डायरेक्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर को फर्स्ट मानते हैं, न्यूमरेटर को सेकंड। डिनोमिनेटर का स्क्वायर पहले ही लिख दिया जाता है, शुरुआत यहीं से करते हैं। फर्स्ट इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन वन माइनस, अब अंश लिखेंगे कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन फिर यही चीज लिख दी जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, ये होगी कैंसिल आउट। बाकी क्या बचा? एक्स अपॉन कॉस एक्स, माइनस आगे लगा देंगे अच्छा लगेगा, इसको साथ में लिख देंगे एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि ये सेक स्क्वायर एक्स बच गया, और प्लस सी माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स, और फिर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको ऐसे ही लिखेंगे। प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस सी, यही आंसर है इसका। चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे, टेन एक्स को ब्रेक करके, वो तो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट हो जाएगा, आंसर यहीं तक आ चुका है वो।